डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया सेट आपके सामने आ चुका है जो पिछले सेट से अलग है। ये सेट है बिहार स्पेशल का 30 चुनिंदा क्वेश्चंस का सेट, जिसमें कट ऑफ होगा 23 का। कई दिनों से हमारा प्रयास हो रहा था कि बिहार स्पेशल पे कुछ सेट्स आने चाहिए। आज उसी के तहत ये 30 क्वेश्चंस का चुनिंदा क्वेश्चंस का सेट आप देखेंगे, जिसमें 30 का कट ऑफ रखा गया है। अगर 30 के आसपास आप स्कोर्स करते हैं तो आपने रिविजन किया है, 20 के आसपास भी चलेगा, लेकिन 15 से कम अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 30 बिहार स्पेशल क्वेश्चंस के सेट का, जिसका पहला क्वेश्चन इस तरह से। 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छात्रों को गोरिल्ला वॉर का प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बिहार में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे अपने साथियों के साथ, तो इन्होंने कहा यह ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया, सोच ले। पांचवें क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की तराई में गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में कौन गलत सुमेलित है? देखिए, कैनाल पे, नहर पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, इससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मिसमैच्ड कौन है? ठीक से ध्यान से आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तिरहुत नहर। तिरहुत नहर गंडक नदी पर है, सोन नदी पर नहीं, बाकी सब सही है। आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? यहां पर चार नदियां दी गई हैं। देखिए, बीपीएससी का एक पैटर्न है कि उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पठारी बिहार, पहाड़ी बिहार, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फल्गु, क्यूल, चंदन और सकरी नदी। ये हजारीबाग के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिकतर इनमें से निकलती हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम चंपारण। यह एक टाइगर रिजर्व भी है और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। आज का पांचवा क्वेश्चन, बिहार में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का प्रारंभ कहां से माना जाता है? हायर एजुकेशन, इनमें से चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पांचवा ऑप्शन भी है, सोचकर आप जवाब दें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1862 में पटना कॉलेज की स्थापना से। याद रखें 1862 यहां पर दिया हुआ है, चूंकि घोषणा इस समय हुई थी, हालांकि पटना कॉलेज की स्थापना दरअसल 1863 में हुई थी, तो सी यहां पर आंसर हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय याद रखेंगे 1917 में स्थापित हुआ था। आज का छठा क्वेश्चन, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत बिहार पंचायती राज एक्ट अधिनियम कब आया? बिहार पंचायती राज एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1993। आज का सातवां क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है? पोटैटो, हाईएस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। नालंदा पूरे भारत में बल्कि प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करने वाला जिला है। आज का आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार केसरी कहलाए? बिहार केसरी, इस तरह के टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। आज का नवा क्वेश्चन, बिहार में 4G सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? कम्युनिकेशन में यह एक बड़ा लैंडमार्क था जब 4G सर्विस बिहार में लॉन्च हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर 2016 से एयरटेल ने सबसे पहले बिहार में 4G सर्विस का शुरुआत किया था। आज का दसवां क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं में जो केव है, बराबर का केव, उसमें मौर्यकालीन केव जो हैं वो कौन से निम्नलिखित में से हैं?
सोच कर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोंपड़ी। आज का 11वां क्वेश्चन, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25.4। आज का 12वां क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में, याद रखें बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अपर हाउस में कितने लोगों को अब नॉमिनेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/6। विधानसभा की कुल संख्या का 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन, राज्य का वह जिला जहां सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी इरिगेशन में यह टॉप पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेखपुरा। बड़ी 80-85% लैंड इसका इरिगेटेड है। आज का 14वां क्वेश्चन, धीमन और विठपाल किस काल के प्रसिद्ध कलाकार थे? धीमन और विठपाल बहुत बहुत लोकप्रिय फेमस आर्टिस्ट, किस कला के पारंगत ये कलाकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाल कला। ये नालंदा निवासी थे और कांसे की मूर्तियों बनाने में दक्ष थे विशेषकर। आज का 15वां क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला चीनी यात्री, चाइनीज ट्रैवलर कौन था इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फाहियान। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लगभग 5वीं शताब्दी के शुरुआत में, प्रारंभ में ये आया था पहला चीनी यात्री। आज का 15वां, अगेन देखिए क्वेश्चन दरअसल अब 31 हो चुका है, चूंकि 15 नंबर दो क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन की संख्या दरअसल 31 हो गई है। वर्तमान में पटना हवाई अड्डा से उड़ान भरने वाली उड्डयन सेवाएं कौन से एयरलाइंस हैं जो प्रेजेंटली पटना एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज दे रही हैं? इनमें से आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। एयर डेकन अभी यहां पर नहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। आज का 16वां क्वेश्चन, 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए बिहार के पहले सत्याग्रही, बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे? आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इस वक्त बड़े आंदोलनों से अपने को दूर रखा और लेकिन चाहा कि विरोध का सांकेतिक रूप देखता रहे, इसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसमें एक व्यक्ति को सत्याग्रह के लिए बैठा दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह। और याद रखें राष्ट्रीय स्तर पर विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। आज का 17वां क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण कालीन नियोलिथिक रेसिड्यूज अवशेष कहां से प्राप्त हुए? नियोलिथिक नवपाषाणकालीन अवशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूंकि चिरांद और चेचर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं तो ये दो आंसर हो जाएगा इसका ई, 5वां ऑप्शन। आज का 18वां क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? अपर हाउस राज्यसभा की टोटल सीटें बिहार से कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16। आपको पता होगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है जबकि विधानसभा 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। आज का 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पितृहंता वंश यानी पैट्रिसाइडल डायनेस्टी के नाम से विख्यात है? पितृहंता वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियक वंश। दरअसल हरियक वंश में 3 महत्वपूर्ण किंग हुए, राजा हुए, बिंबिसार अजात शत्रु और उदयन। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की अजात शत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, इसलिए ये पितृहंता वंश कहलाता है। आज का 20वां क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में
मुगल प्रांत बनने पर बिहार का गवर्नर कौन नियुक्त हुआ? आप जानते हैं कि अकबर ने बिहार को 74 से 76 के बीच, 1574 से 1576 के बीच बिहार बंगाल को जीता था और बाद में बिहार को 1580 में अपना प्रांत बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि मुनीम खां और मान सिंह दोनों बिहार के प्रांतपति थे। शुरुआती सालों में मुनीम खां और बाद में मान सिंह का बड़ा प्रभावशाली रोल रहा था यहाँ के गवर्नर के रूप में। आज का 21वां क्वेश्चन, बिहार का राजकीय फल यानी स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गेंदा यानी मैरीगोल्ड। आज का 22वां क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी का परिवर्तन किया, ये कहां किया था? इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। आप जानते हैं कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था जब अंग्रेज या यूरोपियंस भारत आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। आज का 23वां क्वेश्चन, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? बड़ी महत्वपूर्ण रचना कीर्ति लता, इनके रचनाकार कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विद्यापति। कीर्ति लता और कीर्ति पताका तो बड़े महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी दो। आज का 24वां क्वेश्चन, बिहार सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बहुत चर्चा में रहा, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट बिहार सचिवालय गोलीकांड, क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव में यह सब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 11 अगस्त 1942। 16-14 साल के युवा क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए सचिवालय पर झंडा फैलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान इन पर गोली चला गई, 7 युवा इसमें शहीद हो गए थे। आज का 25वां क्वेश्चन, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा के क्षेत्र आते हैं? पटना लोकसभा और पटना जिले के अंतर्गत, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र, संख्या बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6, जिसमें पटना सदर, पटना साहिब, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी और पालीगंज है। आज का 26वां क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से ये सुरक्षित था। आज का 27वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय बिहार में। आप सोच लें, सोच कर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोतिहारी में। आज का 28वां क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधानसभा में विपक्ष के यकी नेता कौन है? अगेन आपको सोच कर जवाब देना है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली ऑफ बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तेजस्वी यादव। आज का 29वां क्वेश्चन, 18 साल के प्रतिबंध के बाद बिहार ने अपना पहला, अब दो क्वेश्चन करंट का आपको दिखाई देगा बिहार से रिलेटेड करंट। 18 साल के प्रतिबंध के बाद बिहार ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच किसके विरुद्ध खेला? अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ये मैच हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। आपने देखा होगा कि झारखंड के बंटवारे के बाद तब से बिहार क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन इस साल से यह प्रतिबंध उठ गया है, बीसीसीआई ने उठा लिया है। आज का 30th और अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2018 में गया में पितृपक्ष मेला कब शुरू हुआ? अगेन इंपॉर्टेंट पितृपक्ष मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2018।
इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान रखना है जो बिहार से रिलेटेड करंट हैं। तो आज का ये 30 क्वेश्चंस यहीं पे रुकेगा। उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कोर्स किए होंगे। काउंट करें, इस तरह के सेट्स बनाते रहें ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर ढंग से होता रहे। कोई एक टॉपिक से, एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप ये टॉपिक पढ़ लें ताकि और सारे क्वेश्चंस आप बना सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।